जम्मू कश्मीर में बैट इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कश्मीर का एक मुनफरद मकाम हासिल है इस बैट इंडस्ट्री को अगर जो हम देखें कई दहाइयों से इसने एक ऐसा फेज भी देखा जब इट वाज स्ट्रगलिंग टू सरवाइव बट यंगस्टर्स लाइक फौजुल कबीर ऑफ साउथ कश्मीर एक्चुअली चेंज द स्टोरी ऑफ दिस इंडस्ट्री ही ही इज़ क्रिएटिंग हिज ओन स्टोरी आज हम फौजुल कबीर से बात करते हैं जी आर एड बैट्स के लिए और जी आर एड बैट जो आई सी सी आई आई सी सी अप्रूव जो फॉर्मेट है इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में भी ये बैट अब लिया जा रहा है खेला जा रहा है इस बैट से इसके बारे में बात करते हैं फौजुल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आप क्रिकेट बैट को अगर देखा जाए एक नया आपने एक डेफिनेशन दिया है बैट इंडस्ट्री में तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे जी जैसे आप देखेंगे कि हमने पहले आ, फोकस क्यों किया कश्मीर विलो पे और इंग्लिश विलो जबकि हम कर सकते थे आराम से आज से 10-12 साल 11 साल पहले हम आ सकते थे इंटरनेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल फ्रंट पेज जैसे मेनली इंटरनेशनल क्रिकेट हमने फोकास्टिंग करके ये देखा इंग्लिश तो कल को जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में ओवरटेक करेगी इज ग्रोइंग तो उस लिहाज से कल को

जो भी पैसा फॉरेन मार्केट से आएगा वो उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी वी आर राइट ऑफ फोर हंड्रेड यूनिट्स वी आर प्रोड्यूसिंग अराउंड थ्री मिलियन बैट्स इन कश्मीर विलो तो उससे क्या होगा कि जो पैसा हमारे बाहर से आएगा पूरे हमें भटके आएगा मतलब यहां से अगर आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वी हैव डिफरेंट थिंग्स वी गेट फ्रॉम डिफरेंट मार्केट्स अगर हम बैट के बारे में देखेंगे वी गेट इट्स ग्रिप फ्रॉम जालंधर पंजाब इट्स लेमिनेशन वी गेट फ्रॉम कलकत्ता इट्स स्टीकर वी गेट फ्रॉम डेली इट्स थर्ड वी गेट फ्रॉम यूपी वी हैव वर्कर्स वर्किंग इन आर फैक्ट्री फ्रॉम कलकत्ता टू यूपी टू पंजाब तो पैसा जो भी आता है इट्स हैंडल कम्स फ्रॉम अंडमान निकोबार आईलैंड्स तो एक एक चीज जो हमारी आती है जो आप फॉरेन से पैसा आएगा वो हमें पूरी इंडस्ट्री में बढ़ेगा और ग्रो होगी इंडस्ट्री अगर हम इंग्लिश विलो पे इस इसके बनेस काम कर लेते हाँ हमने आज से दस साल पहले मार्केट में आ चुके होते आज से दस साल पहले हम ऑलरेडी ब्रांड बन चुके होते लेकिन उससे हमारी पूरी इंडस्ट्री को फायदा नहीं मिलता पैसा तो हम बेचते पैसा तो हमारे कंट्री में आता लेकिन वो वापस उठ के इंग्लैंड चला जाता जहां से हमने रॉ मटेरियल खरीदना था तो हमारी इंडस्ट्री को उसका फायदा क्या आता तो फॉर दैट वेरी रीजन वी फोकस्ड आर होल फोकस जो हमारा रहा वो इसी कश्मीर विलो पे रहा कश्मीर वालों की अगर बात करें तो आपके पास उतना रॉ मटेरियल है कि आप इतना कैटर कर सके क्योंकि अभी आपके पास आईसीसी अप्रूव्ड लाइसेंस भी है बहुत सारा मटेरियल भी बन रहा है

ट वॉज द वटलब एरिया इन द बड़ीपोरा वो हमारा खत्म होने के कगार फिर नेक्स्ट थ्री ईयर्स तो उसके बाद हमें पूरी इंडस्ट्री शट डाउन करनी पड़ेगी हमने गवर्नमेंट को इसके बारे में हमारे एल जी साहब से बात करी हुई है उनसे मीटिंग भी हमने करी कि सी सर हमारी अगर वी आर द इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द सोसायटी पूरी इंडस्ट्री डेढ़ लाख से ज्यादा लोग हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो वी विल भी रेंडर जॉबलेस हमने उनको बोला दिस इज एन एसो एस कॉल फ्रॉम द इंडस्ट्री टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ आर होल क्रिकेट बैट मैन्यूफेक्चरिंग एसोसिएशन आई एम द Of the तो हमने उनको बोला दिस इज एन एसो एस कॉल आवर सोल्स अगर आपने अभी इसके बारे में चार साल के बाद बंद तो कर पड़े को? हमें कोई भी पौधा लगाना पड़े कहीं पर जर्म प्लाज्म हमारे पास अवेलेबल नहीं एंड ऑल दैट अगर हम कहीं पे भी जाएंगे इट इज दैट इट्स ब्रांच ग्रोज इन टू ए ट्री तो वो हमें हमारे पास दिक्कत नहीं थी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप लैंड की अवेलेबिलिटी देखेंगे जो गवर्नमेंट कूप्स हमने खाली किए हैं ये सौ सालों में वो अभी भी खाली पड़े हैं उनमें अगर वापस रिप्लांटेशन हो जाती तो हमारे लिए अगर लेकिन सस्टेनेबल रिप्लांटेशन ऐसा नहीं कि हमें लगाए एक लाख पौधे तो अगले साल हम चुप बैठे नहीं अगर दस हजार ही हम लगाए लेकिन हर साल लगते रहे क्योंकि दस सालों के बाद जो हमें पैदावार मिलेगी ग्यारहवें साल हमें दो सा, दूसरे साल का मिलेगा तो ऐसा हम चाहते हो नाजरीन नाजीन कबीर इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्काउटिंग द लोकल टैलेंट इन क्रिकेट थ्रीडिंग फॉर्मैट ये देखते हैं कि कौन को, बॉलिंग में अच्छा है कौन खेलने में अच्छा है देन ही आइडेंटिफाइज देम मेक्स देअर वीडियोजन स्पॉन्सर्सम टू द इंटरनेशनल प्रीमियर लीगस तो फजल उसके बारे में आप बताएं क्योंकि उसमें आई थिंक सी वी हैव राइट नाउ आफ्टर द आईसीसी अप्रूवल हमारा जो भी है कि ताल्लुक बाहरी क्रिकेट बोर्ड से इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से बहुत okay. बढ़ गए एंड मेनली इन द गल्फ कंट्रीज इफ़ यू विल सी दे डोंट गल्फ पीपल दे डोंट प्ले क्रिकेट दे हायर देयर क्रिकेटर्स फ्रॉम फ्रॉम द है तो हमने उनसे बोला उनके साथ एमओ किया हुआ है दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग द गुड बॉलर्स बैट्समैन और द विकेट कीपर्स वो हम उनको चूज करके देंगे और अपने टीम में वो लगा सकते हैं जरूरी नहीं कि आप ग्यारह के ग्यारह खिलाड़ी हमारे यहां से लें एक दो खिलाड़ी अगर हर टीम में वी हैव सेवन गल्फ कंट्रीज तो अगर एक एक दो दो खिलाड़ी वहां पे हम दे सकें तो फॉर दैट वेरी रीजन हमने साइन करके रखा हुआ है और हमारी टीम अभी लगी हुई है जिसमें इंटरनेशनल दो अंपायर हैं जिसमें चार इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और सिलेक्शन कमेटी के दो मेंबर्स हैं वो हमारी पूरी टीम बैठी हुई है जो भी कोई लड़का अच्छा खेल खेलता है नेचुरल गेम कहीं से भी वो वीडियो एनालाइज कर रहे हैं और करीबन करीबन जनवरी फेब में आप इंशाला देखेंगे कश्मीर से कुछ खिलाड़ी में ये नहीं बोल सकता सो दो सो सौ नहीं एक ही चला जाए दो ही चला जाए वी आर एक्चुअली मेकिंग एजेंट्स में एक बच्चे को फ्यूचर भी नजर आएगा अच्छा, कुछ साल पहले जो है ये इंडस्ट्री इतनी आ, इतनी स्ट्रगल कर रही थी आ, आपको फर्दर प्रोडक्ट पॉलिश करने के लिए बाहर भेजा जाता था इसको आ, आप कह रहे कि ग्रिप बाहर से आपको लानी दी थी तो अभी इस वक्त क्या सिचुएशन है आप इसको सब यहाँ पे कर सकते हैं सी अगर आज से दस साल तक मानो आज से टिल हमारी इंडस्ट्री वॉज कंसिडर्ड ए लॉस मेकिंग इंडस्ट्री एज पर डी आई सी रिपोर्ट तो हमने क्या किया इसमें पहले हमने रिसर्च किया कि क्रिकेट बैट कैसा होना चाहिए वो सब करने के बाद अगर आप देखेंगे कि एवरीथिंग फ्रॉम द वुड

फाउजल ने बहुत सारे उठाए और क्रिकेटिंग बैट को एक डिफरेंट लेवल पर लिया रिसेंटली हमने देखा कि आपका जो बैट है अब आप खाली इसको आपका बैट नहीं कहेंगे पूरे कश्मीर का ये एक ब्रांड बन गया है तो ये देखा गया कि ये डिफरेंट इंटरनेशनल फॉर्मेट्स में दिखाया गया और इससे खेला भी गया वो कैसा फीलिंग uh, था आपके लिए एज 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 मैन्युफैक्चरर सी एज ए मैन्युफैक्चरर अगर आप देखेंगे क्योंकि पूरी दुनिया में अभी इंग्लिश विलो ही राज करता आ रहा है और उनका हर कोई बंदा एफर्ट नहीं कर सकता इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी इंग्लिश विलो बैट अगर आप कोई भी प्लेयर एडिशन बैट उठाएं तो 80,000 से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक का बैट अवेलेबल है इंटरनेशनल मार्केट में लेकिन हमने क्या किया हमने कश्मीर विलो पे इतना फोकस इसलिए किया आपने जिंदगी के तेरह साल इसमें गवाए क्योंकि वी वॉन्टेड टू तो मेक ए प्रोडक्ट दैट इज एट पार इन क्वालिटी विद द इंग्लिश विलो और जो प्राइसिंग में बहुत कम हो क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप देखेंगे वहां का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है और हमारे सब कॉन्टिनेंट में बहुत लो है तो खासकर अगर आप कश्मीर की बात करेंगे जहां का इंडिजिनस प्रोडक्ट है और जिस इंडस्ट्री में आपका रॉ मटेरियल वहां पे अवेलेबल है तो वहां पे और सस्ता हो सकता है तो हमने ये तो हमने ये कोशिश करी है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में एक सस्ती चीज दें और क्वालिटी वाइज से हम कंप्रोमाइज ना करें अपने प्रोडक्ट पे ताकि एक चाइना जैसे कि आप देखेंगे चाइना मार्केट में फ्लड कर रहा है अपने प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं है लेकिन दे आर पॉकेट फ्रेंडली तो इसी तरीके से हमने कश्मीर विल्लो पे इतनी मेहनत करी है ताकि अगर आप देखेंगे फॉर्मेंस के एतबार से लास्ट ईयर आर बैट वाज एबल टू हिट द बिगेस्ट सिक्स ऑफ द आईसीसी वर्ल्ड कप इन ऑस्ट्रेलिया तो उससे ये हमने दर्शा के दिया पूरी दुनिया को वी लेट द वर्ल्ड नो दैट वी हैव अ बेटर अल्टरनेटिव द इंग्लिश एंड इट इज पॉकेट फ्रेंडली ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो सके स्केल्स ऑफ इकोनॉमीज अगर आप देखेंगे वी वॉन्ट टू गो फॉर सेल्स मैक्माइजेशन नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उससे क्या होगा एक तो ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हो जाएंगे ज्यादा लोगों का रोजगार बढ़ जाएगा और सेल्स जितनी ज्यादा हो जाएंगी उस इकोनॉमिक ग्रो हो जाएगी तो वी आर स्पॉन्सरिंग राइट नाउ अ फ्यू गर्ल्स हु आर प्लेइंग फॉर द आईपीएल और बहुत सारी ऐसे जो रांझी प्लेयर्स हैं हमारी जो फीमेल क्रिकेट से वाबस्ता हैं चाहे वो बेंगलोर से है चाहे वो कर्नाटका से है चाहे सो महाराष्ट्र से है महाराष्ट्र से है तो वे आर स्पॉन्सरिंग देम ऑल्सो और उनको जो भी क्रिकेट रिलेटेड हमारे से मदद चाहिए चाहे बी द इक्वमेंट बीथ एनी काइंड ऑफ हेल्प वी आर ऑलवेज देयर टू तो हेल्प देम ताकि वो भी लड़कों के शाना बशाना खड़े हो और अपने मुल्क का नाम दूसरी जगहों पर रोशन करें नाजरीन फौजुल का एक यूएसपी ये है कि ये कहते हैं कि हमें सेल्स मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन करनी है यानी कि हमें मार्केट में जितना हो सके उतना पेनिट्रेट करना है अपने बैट्स और देने हैं एट अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस तो इसके लिए फौजल ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं ही हैज़ क्रिएटेड हिज ओन लोकल क्लब्स यहाँ पे और ही इज़ ऑल्सो डूइंग स्काउटिंग ही इज़ ऑल्सो यू नो स्पॉसरिंग दीज लोकल टैलेंट्स टू द डिफरेंट प्रीमियर लीग्स तो ये ये स्टोरीज़ और ये जो इनके साइड साइड इनके काम चलते रहते हैं फौज़ुल ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने एक थारो रिसर्च किया हुआ है फौज़ुल इस वक्त परसू कर रहे हैं पी एच डी फ्राम एयरलैंड यूनिवर्सिटी इन स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट इनका ये मानना है कि हमें इंडिजिनस इकॉनमी को बढ़ाना और इसको बड़ा बढ़ावा देना सबसे अहम काम होता है कैमरा मैन अथर के साथ नज़ीर गनाई आवाज़ श्रीनगर